अरे बाल क्या करूँ इसका, अच्छा मम्मी लगा रहा हूँ, बचपन से सुनते आ रहे हैं बेटा तेल लगा लो बालों में शैम्पू करने से पहले, बाल अच्छे हो जाएंगे। क्या तेल लगाना ही एक तरीका है, और ऊपर से तेल आजकल मिलावटी भी आ रहे हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जो कम्प्लीटली नेचुरल है, सेफ है, इस चीज के लिए आपका खर्चा बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एलोवेरा प्लांट की। जैसे कि आप देख सकते हैं एलोवेरा प्लांट बहुत ही कम रख रखाव के साथ आप अंदर भी घर के रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। इस प्लांट को पानी की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। चलिए आइए देखते हैं कि इस चीज का किस तरह प्रयोग करना है। तो हम एक डंडल यहां से तोड़ लेंगे नीचे से, इस तरह से। ये डंडल मैंने तोड़ लिया है, अभी से ही इसका रस बाहर आना शुरू हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं एलोवेरा प्लांट के इस पत्ते को धो लिया है और अब हम इसको काटेंगे, तो मैं आपको काटने का तरीका भी बताऊंगा इसका। आप अगर कांटे निकालना चाहें तो यहाँ से साइड से कांटे निकाल सकते हैं। इस तरह हमने इसके कांटे निकाल दिए, तो इसकी शार्पनेस कांटों की खत्म हो गई है। अब इसके बाद हम इसको ऐसा आधा काट लेंगे इस तरीके से, और इस तरह से ले जाते हुए पूरा इसको हम कट कर देते हैं ताकि हम इसका जेल स्कूप कर लें। चम्मच से स्कूप करूंगा इसको और इस कटोरी में डालता हूं। ये इस तरह से कुछ आपको इसका स्कूप कर लेंगे आप इसके जेल को। हमने कर लिया है काफी, इतना बहुत होगा। अब हम इस जेल को, ये जो आप देख सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट सा जेल है, वाटरी सा, इसको हम यूज करेंगे। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैं इसको बालों में लगा रहा हूँ, आप कहीं भी लगा सकते हैं बॉडी पे, आपको बिल्कुल हार्म नहीं करेगा। जब आप अपने बालों को हाथ लगाएंगे ना सर धोने के बाद, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कितनी बढ़िया तरीके से इसने आपके बालों को मुलायम कर दिया है और क्लीनिंग भी बहुत अच्छा करता है। यहाँ तक कि आप एलोवेरा जेल को तो एक फेस वॉश की तरह भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए मैंने इसको अच्छी तरह अपने बालों में लगा लिया है, कम्प्लीटली मेरी कटोरी भी खाली हो गई है। हम थोड़ी देर वेट करेंगे। मैं शावर में नहा रहा हूँ दोस्तों, अपने बाल अब गीले करूंगा। तो मेरा नहाना तो कंप्लीट हो गया है, बाल मेरे काफी सॉफ्ट और अच्छे हो गए हैं, मुझे तो काफी साफ और अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मैं थोड़ा अंदर से भी दिखाऊं तो बिल्कुल साफ हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि ये एलोवेरा प्लांट है, इसको यूज करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, कई लोगों को एलोवेरा से एलर्जी भी होती है, तो इस चीज को चेक करने का तरीका यही होगा कि आप इसको हल्का सा तोड़ के आप इसको लगा ले या स्किन पे कहीं पे पैच टेस्ट करें और ये पता लगाएं कि आपको अगले 24 घंटे तक कुछ होता है कि नहीं होता। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये आपके लिए सेफ है। एक और चीज इस्तेमाल करता हूँ जो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है, कभी कभी करता हूँ, वो है एप्पल साइडर विनेगर, पानी में मिक्स करके वो भी बालों में लगा के आप यूज कर सकते हैं, आप दही में यूज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन केमिकल्स से दूर रहे वही आपसे अनुरोध है। मैं यूज करता हूँ एलोवेरा को, किस तरह से इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर पाया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे भी कोई बेटर टिप्स पता है या कोई प्रोडक्ट्स पता है तो जरूर मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।